1981 के बाद मेलबोर्न स्टेडियम में अंततः भारतीय टीम को जीत मिल ही गई। बताया जाता है कि 1981 के बाद पहली बार मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG में भारत की यह पहली जीत दर्ज की गई है। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम के 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 137 रनों से हराकर 2-1 से बढ़त भारत को मिल गई है। भारत ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया में पहली बार बॉक्सिंग डे टेस्ट जीता। यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मैच में बुमराह की भूमिका मुख्य रही, जिन्होंने 9 विकेट लिए। चेतेश्वर पुजारा ने पहली पारी में शतक 106 और विराट कोहली ने 82 अर्धशतक लगाकर MCG में जीत की नींव रखी। तो वहीं मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह ने दोनों पारियों में कुल 9 विकेट लेकर विजय का मार्ग खोल दिया। टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में किसी एक टेस्ट सीरीज जीतने में कप्तानी करने वाले दूसरे कप्तान विराट कोहली बन गए हैं। भारत ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को 399 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन रविवार को बारिश के बावजूद मेजबान टीम की दूसरी पारी 261 रनों पर खत्म हो गई। पेंट कमिंस 63 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने इसी के साथ गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी को अपने पास बरकरार रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 71 सालों में भारत का यह 12वां ऑस्ट्रेलिया दौरा है जिसमें वह टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है। इस बार यह उम्मीद की जा रही है कि यहां पर नया इतिहास रचा जाएगा। उल्लेखनीय है कि 1977-78 में मेलबोर्न में 222 रनों से भारत को विजय मिली थी। इसके बाद 77-78 में ही सिडनी में पारी और 2 रन से विजय मिली। 80-81 में मेलबोर्न में 59 रनों से विजय मिली थी। इसके बाद तो लगातार मेलबोर्न में भारत मैच हारता ही चला गया।